एक समय एक जवान आदमी था, हिज नेम वॉज श्रवण कुमार। उसका नाम क्या था? श्रवण कुमार। हिज पेरेंट्स वेयर वेरी ओल्ड। उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स माता पिता जो थे, वो बहुत ही बूढ़े थे। दे वर ब्लाइंड ऑल्सो। वो क्या थे? अंधे भी थे। सेवन वाज देयर ओनली सन। सेवन जो था उनका एक अकेला बेटा था। ही लव्ड हिज पेरेंट्स वेरी मच। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। सो ही सर्व्ड देम डू डे एंड नाइट। इसलिए वह दिन रात उनका ध्यान रखता था, सेवा करता था। ही वॉज वेरी ओबीडियंट, मतलब वह बहुत ही आज्ञाकारी था। कौन? श्रवण। वंस हिज पेरेंट्स वांटेड टू गो ऑन ए पिलग्रीमेज। एक समय की बात, उसके पेरेंट्स जाना चाहते थे। कहाँ जाना चाहते थे? तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते थे। दे वर वेरी वीक। वो बहुत ही कमज़ोर थे। दे कुड नॉट वॉक। वो चल नहीं सकते थे। सर्वन वन वांटेड टू टेक देम टू ए पिलग्रीमेज। श्रवण जो था वो भी चाहता था कि अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जाऊं। इसीलिए सो ही कैरीड देम ऑन हिज शोल्डर। वह इसलिए वह अपने कंधों पे उठा लिया। दे वर वेरी हैप्पी। वे दोनों जो थे, मतलब पेरेंट्स जो थे, उनके माता पिता बहुत ही खुश हो गए। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो। वन डे दे फेल्ट थर्स्टी ऑन द वे। एक दिन वे बहुत ही प्यास महसूस कर रहे थे। रास्ते में जब जा रहे थे तो वो बहुत ही प्यास लग रही थी उन्हें। श्रवण सीटेड देन ऑन द ग्राउंड। श्रवण जो है उन्हें अपने नीचे रख दिया, नीचे बैठा दिया। ही वेंट टू ब्रिंग वाटर। वह पानी लेने के लिए चला गया। किंग दशरथ वाज हॉटिंग देयर। वहाँ पे जो राजा जो दशरथ जो थे, वो वहाँ पे राजा दशरथ वहाँ पे क्या करते? शिकार कर रहे थे। ही शूट एन एरो। वह तीर मार दिए। ठीक है, द एरो स्ट्रक श्रवण कुमार। श्रवण कुमार क्राइड। द किंग दशरथ कम टू हिम। ही वॉज वेरी सॉरी। वो जो तीर जो था श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार चिल्ला उठा, रोया चिल्लाया। दशरथ जो वहाँ पे राजा दशरथ जो थे वो वहाँ पे आ गए। अब वो उन्होंने सॉरी मांगी। श्रवण डेड देयर। श्रवण जो वहाँ पे मर गए। दशरथ कम टू हिज पेरेंट्स। राजा दशरथ जो थे वो उनके पेरेंट्स उनके माता पिता के पास आ गए। ही ब्रॉट वाटर ऑल्सो। वो पानी भी साथ में लाए थे। बट दे डिड नॉट ड्रिंक इट। लेकिन वह पानी नहीं पिए। दे क्रश्ड दशरथ। दे ऑल्सो डेड। वे दशरथ राजा दशरथ को भी श्राप दे दिया और वे भी मर गए, क्योंकि उनका बेटा मर गया था। तो क्या समझे इस स्टोरी में? श्रवण कुमार कितने आज्ञाकारी थे, जो उनके माता पिता की सारी बात मानते थे, बहुत ही केयर करते थे। ठीक है, ये सभी को करना चाहिए, नए माता पिता की बातें माननी चाहिए।
अब देखो, श्रवण कुमार्स पेरेंट्स वेयर ब्लाइंड वेरी ओल्ड, हाँ दोनों थे, तो यहाँ पे बोथ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द क्वालिटीज ऑफ श्रवण कुमार, श्रवण कुमार की क्या क्वालिटी थी? ऑल दिस होगा, ही वॉज वेरी ओबीडियंट, ही लव्ड हिज पेरेंट्स वेरी मच, ही सर्व्ड हिज पेरेंट्स डे एंड नाइट, हाँ ये तो सारा ही उनमें गुण था। श्रवण कुमार वॉज किल्ड बाय, किसके द्वारा मारा गया था? दशरथ से, राजा दशरथ के द्वारा। ओके अब यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स हो रहा है। श्रवण कुमार लव्ड हिज पेरेंट्स वेरी मच, यस। श्रवण पेरेंट्स वर वेरी हेल्दी, नो। श्रवण कैरी हिज पेरेंट्स ऑन द बुलो कार्ड रॉन्ग, वो तो उनके श्रवण कुमार के शोल्डर पे थे ना। द एरो स्ट्रक श्रवण पेरेंट्स, नो, श्रवण को लगा था। श्रवण बॉट वाटर फॉर हिज पेरेंट्स, यस, वो पानी लाने के लिए गए थे अपने माता पिता के लिए। अब यहाँ पे मैचिंग करना है, देखो अब मैचिंग, देखो मैचिंग मैंने कर लिया। श्रवण वाज द ओनली वन ऑफ हिज पेरेंट्स, श्रवण वांटेड टू टेक हिज पेरेंट्स टू पिलग्रिमेज, श्रवण पेरेंट्स वांटेड टू गो ऑन पिलग्रिमेज, किंग दशरथ शूट एन एरो एट श्रवण, श्रवण पेरेंट क्रॉस्ड किंग ऑफ किंग दशरथ। ये हो गया हमारा मैचिंग। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट द वर्ड ओबीडियंट, ओ बी ई डी आई ई एन टी, सर्व्ड एस ई आर वी ई टी, पेरेंट्स पी ए आर ई एन टी एस, हंटिंग एच यू एन टी आई एन जे, क्रस्ड सी यू आर एस ई डी, सही है। अब यहाँ पे देखो ए और एन आपको लगाना, ए एन द, ये मैंने कितनी बार भी बता दिया है ए एन द कहाँ कहाँ लगेगा। यहाँ पे थोड़ा और एग्जांपल दे दिया गया है, ये देखो ए कैट, सिंगल कैट है, कैपिटल लेटर में ए आएगा, पर डॉग के बारे में बताया गया है एन, क्योंकि ये वॉवेल है ई, यहाँ पे भी एन लगा क्योंकि ये यू क्या है, वॉवेल है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे साउंड आता है वहाँ पे भी, और द तो यूज़ आता ही है स्पेशल वाले में। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे माई सिस्टर इज एन, क्योंकि इन क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल है ना। 30 डे मेक अ मंथ, ए आई नो एन एक्टर इज एक्टर हु इज पॉपुलर, माई फादर इज एन ऑफिस। यहाँ पे क्या है, रोमी वाज नॉट ब्लिंट इन ए डे, ओके। हम यहाँ पे द में भी बताया गया द का भी यूज़ कैसे करना है, द स्पेशल मंकी के बारे में बताया गया है, ये स्पेशल डॉग के बारे में बताया गया है, ठीक है, कोई भी स्पेशल होगा तो उसके बारे में बताया जाता है। अब यहाँ